ये बताओ नायब, तुम डॉक्टर सलमान कब से जानती हो? आपसे क्या पूछ रही है? तुम चुप रहो, मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ। बेटा बताओ, तुम सलमान को कब से जानती हो और कैसे जानती हो? मैं एक दफा बीमार हो गई थी तो उनके क्लिनिक गई थी। क्यों, क्या सलमान ने कुछ कहा आपसे? बेटा जब आंखें जबान की जगह ले लेती हैं तो हर गुफ्तगू बेमाने हो जाती है। मैंने सलमान की आंखों में नायाब के लिए सिर्फ प्यार ही प्यार देखा है। अच्छा तुम आओ यहाँ कर बैठो। देखो नायाब, तुम फरह की तरह मेरी बेटियों की तरह, मैं एक माँ की हैसियत से तुम्हें सोचने का वक्त देती हूँ। तुम अगर चाहो तो मेरे इस नालायक बेटे के साथ शादी कर सकती हो, और वरना डॉक्टर सलमान से भी शादी कर सकती हो। मैं दोनों सूरतों में तुम्हारी खुशी में शामिल हूँ। मामा, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये शादीशुदा है। क्या? जिंदगी ने तुम्हें किस दराहे पर लाकर खड़ा किया है? अब कहाँ जाओगी? तुम तो मुसलसल दूसरों की तकलीफ का बायस बनती जा रही हो। तमन्ना बेगम, जिन्होंने तुम्हें अपनी बेटी बनाया, डॉक्टर सलमान जो तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, सोब जो 24 घंटे तुम्हें मांगता रहता है, तड़पता है, तुम इसकी तड़प का भी इलाज नहीं कर पाई और उस हस्ती से आस लगाकर बैठी हो जिसे तुमने देखा तक नहीं, शायद कभी देखोगी भी नहीं। जोहापति, मेरी सदाएं तुम तक कब पहुंचेंगी? कब सामने आओगे तुम? तुम मुझसे जिंदगी की हर खुशी, हर उम्मीद, हर राहत छीन रहे। आज अगर मुझसे मोहब्बत करने वाली ये माँ भी चली गई तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरा खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा सोहापति।